बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक इजी रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हुए हैं आप सबकी खिदमत में। आज मैं आपको एक न्यू स्टाइल में चिकन अचारी हांडी के बारे में बताऊँगी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये हम घर में ही बनाएंगे और वाकई आपकी रेसिपी की तारीफ होगी और आप कहेंगे वाकई रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको बताया है। सो, सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी उन व्यूवर्स का जो न्यू हैं, जो मेरे चैनल में सब्सक्राइब उन्होंने अब किया है, थैंक यू सो मच। और जो पहले से हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप जल्दी से जल्द देख सकें। सो, स्टार्ट करते हैं कि उसमें हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ, हमें सबसे पहले 1/2 kg चिकन चाहिए चिकन अचारी हांडी के लिए। उसके बाद हमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए, ये मैंने चॉप किए हुए हैं। उसके बाद हमें स्पाइस में चाहिए रेड सुरख मिर्च 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon हल्दी है। उसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा 1/2 teaspoon। उसके बाद नमक टू टेस्ट है, जो आप जितना आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। स्पाइस में आपको हर दफ़ा कहती हूँ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद ये दरा मिर्च है, ये भी 1/2 teaspoon। और इसके बाद हम इसमें ये डाल रहे हैं, ये मैंने ग्राइंड किया हुआ है मसाला है, मेथी दाना, राई दाना और कलवंजी, ये तीनों चीज़ों को मैंने किया हुआ ग्राइंड। इसमें आपने मेथी दाना मैंने लिया 1 teaspoon, राई दाना लिया 1/4 teaspoon और कलवंजी भी मैंने 1/4 teaspoon, ये मैंने ग्राइंड की हुई है। आप भी इसको ऐसे बना के रखें, जब भी आप मतलब जब मैंने अब 1/2 kg के हिसाब से इसको ये किया है, इतनी चीज़ें ली हैं ग्राइंड करने के लिए, आप ज़्यादा बना के रख लें इसी क्वांटिटी में, जैसे मैंने बताया आप ज़्यादा बढ़ा लें। जब भी आप अचारी गोश हांडी बनाने लगें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आपको बाजार से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमें चाहिए 1 finger अदरक का पीस, इसको मैं अभी चॉप कर लूँगी। यहाँ पर हमें 7-8-10 सबज मिर्चें चाहिए। उसके बाद हमें 8-10 जवे चाहिए लहसुन के। हमें 4 टमाटर चाहिए कटिंग करके। अब इन चारों चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी और सिर्फ 3-4 सबज मिर्चें साबुत रखूँगी वो प्रेजेंटेशन के लिए, इसमें सबज धनिया नहीं डलता अचारी हांडी में। उसके बाद हमें ये क्रीम का एक पैकेट चाहिए, आप कोई भी क्रीम का ऑलपर का ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। उसके बाद हमें ये देखिए मैं ये यूज़ करती हूँ, आप भी करें, बहुत अच्छा है डालडा ऑयल कलवंजी वाला, कलवंजी जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अपनी रेसिपी की तरफ और बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए देखे रखा हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले चिकन को फ्राई करूँगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। जी व्यूवर्स, देखिए मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, जैसे इसका हल्का हल्का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। आँच को जो है आप फ्लेम नॉर्मल रखें, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखें, बस इसका कलर चेंज हो जाए। जी व्यूवर्स, कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम 5-7 मिनट इसके अंदर भूनेंगे, जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर टमाटर, अदरक और लहसुन डालेंगे जो हमारे पास साबुत था। अब मैं इसको ग्राइंड करके इसके अंदर डालती हूँ। फॉर वेट ओनली 5 मिनट्स। व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट कर दिया है ऐड। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। चिकन ने अपना बहुत ज़्यादा पानी जो है उसका निकला है। अब मैं इसमें स्पाइस भी ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, इसमें मैंने अब स्पाइस ऐड कर दिए हैं, इसको अब अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और इसको 10 मिनट्स के लिए मैं कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। और 10 मिनट्स के बाद जी व्यूअर्स, ये देखें जब हमने इसमें स्पाइस टमाटर अदरक का पेस्ट डाला था तब इसमें पानी काफ़ी था। अब मैंने 10 से 15 मिनट इसका पानी खुश्क किया है, तो ये देखें ये लुक आ रही है, ठीक है। अब लास्ट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये ऑलपर की हम जो है वो क्रीम ऐड कर रहे हैं 1 packet, ठीक है।
जी व्यूवर्स, क्रीम डालने की इसमें ये है कि क्रीम डालने से हांडी की जो है वो टेस्ट में बहुत डिफरेंट होगा। जो हम आम रूटीन में हंडिया बनाते हैं वो लुक नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए क्रीम डालते साथ ही ये देखें इसका लुक ही बदल गई है माशाल्लाह। देखिए आप भी बनाएंगे सेम ऐसी लुक आएगी। और ये आप बंधु खां और रेस्टोरेंट्स में जो खाते हैं अचारी हांडी, ये सेम उसी की रेसिपी है, उसी अंदाज में हमने बनाई है। और घर से ही हमने सारे मसाले डाले हैं, कोई हमने इसमें किसी किस्म का कोई हमने बाजारी मसाला ऐड नहीं किया किसी भी कंपनी का, खुद ही घर में मसाले बनाए, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको 10 मिनट इसमें 10 मिनट बनाए पकाएंगे, कुक करेंगे, उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन होगी और हमारी अचारी हांडी रेडी होगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ क्या है। नॉर्मल फ्लेम पे थोड़ी देर कुक करेंगे 10 मिनट और उसके बाद हमारी अचारी हांडी रेडी होगी। जी व्यूवर्स, ये हमारी माशाल्लाह देखें चिकन अचारी हांडी तैयार हो गई है बाय रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें अदरक गार्निशिंग की है और थोड़ा सा मैंने इस पर गर्म मसाला डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे वे में, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे। और वेलकम उन व्यूवर्स के लिए जो मेरे न्यू हैं चैनल्स पर, जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। और ये हमारी हौसला अफजाई होती है, अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके टेस्ट में। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी को वॉच करने का। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।